अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ भल्ले पापड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होती है। तो जैसा आप कभी मार्केट में भल्ले पापड़ी खाए होंगे, तो सेम उसी तरह आज मैं भल्ले पापड़ी बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। तो आइए देख लेते हैं इस डिलीशियस भल्ले पापड़ी को हमें कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। कुक विद फरा को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस टोटली फ्री डिलीशियस भल्ले पापड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप सफ़ेद उड़द की दाल ली थी। ये तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब है। इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। आप इसे 5 से 6 घंटे पहले भी सोक कर सकते हैं। जब दाल अपनी क्वांटिटी की 2 गुनी हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि दाल हमारी बहुत अच्छे से सोक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छे से सोक हो चुकी है। तो जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने ड्रेन कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इससे हमारे भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून किशमिश लेंगे, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1/2 kg दही ली है। दही आप अच्छी गाढ़ी लीजिएगा और फ्रेश दही लीजिएगा, बहुत खट्टी दही ना लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई शक्कर ली है, यानी कि शुगर पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। और मैंने हरी चटनी ली है और इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है। दोनों चटनी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे जिसे हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने कुटा हुआ भुना जीरा लिया है, और 1/4 टीस्पून नमक लेंगे और 1/4 टीस्पून काला नमक लेंगे। इसे हमें सर्व करते टाइम स्प्रिंकल करना है। और मैंने पापड़ी ली है। जैसा कि ये भल्ले पापड़ी है, तो इसमें पापड़ी का यूज़ ज़रूर से होगा। तो पापड़ी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप रेडीमेड भी पापड़ी ले सकते हैं, उससे भी हमारा भल्ले पापड़ी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। और 1 पिंच हींग लेंगे और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 1 मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। दाल को हमें बहुत फाइन पीस लेना है। तो दाल को मैं 2 से 3 बैच में पीसूंगी, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के दाल को बहुत अच्छे से पीस लीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाल को हमें बहुत फाइन पीसना है। अब इसी के साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और साथ ही में इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि दाल पीसने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा, और ज़्यादा पानी ऐड ना करिएगा, नहीं तो बैटर हमारा बहुत पतला हो जाएगा और फ्राई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दाल को मैं 2 से 3 बैच में पीसूंगी। तो चलिए इसकी कैप लगाकर हम इसे बहुत फाइन पीस लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब पानी और ऐड कर लीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा पानी भी ऐड ना करिएगा, नहीं तो बैटर हमारा बहुत पतला हो जाएगा। तो चलिए इसे अब हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, दाल हमारी बहुत फाइन पिसी है। तो आप इसी तरह दाल को बहुत फाइन पीस लीजिएगा, तभी हमारे भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। तो सभी दाल को मैंने पीस लिया है और 1 मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी दाल को हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए, इस तरह आप एक ही डायरेक्शन में दाल को बहुत अच्छे से फेंटिएगा। तो दाल को हमें, बैटर को हमें जब तक फेंटना है जब तक कि बैटर हमारा बहुत हल्का ना हो जाए। तो बैटर को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंट लिया है। तो अब एक बाउल में हम पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। अगर बैटर ऊपर फ्लोट होने लगेगा तो आप समझिए बैटर हमारा बहुत अच्छे से फिट चुका है। अगर बैटर नीचे रह जाता है तो आप बैटर को और फेंट लीजिएगा। तो अब इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और बेकिंग सोडा डालकर बैटर को हम तकरीबन 2 मिनट तक और फेंट लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से ये फ़ायदा होता है कि भल्ले हमारे सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी हो जाते हैं।
तो इस तरह आप एक ही डायरेक्शन में अगर दाल को फेटेंगे तो आप देखेंगे कि भल्ले हमारे कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इसमें हमें ग्रेटेड जिंजर को ऐड कर देना है और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको जिंजर का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स यहाँ आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो इसमें किशमिश डालकर इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ड्राई फ्रूट्स और जिंजर्स वगैरह हमें बाद में ऐड करना होता है जब हम दाल को बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं, नहीं तो फेंटने में बहुत दुश्वारी होती है और दाल हमारा बहुत अच्छे से फिटता भी नहीं है। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे हम 5 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसे फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल को प्रॉपर गरम कर लिया है। अब हाथों पे हमें बहुत अच्छे से पानी अप्लाई कर लेना है और बैटर से हमें इस तरह छोटा छोटा या बड़ा बड़ा पोर्शन लेके ऑयल में ड्रॉप कर देना है। तो ये देखिए, इतने बड़े बड़े मैं भल्ले बना रही हूँ। अगर आपको बड़े भल्ले पसंद हैं तो आप बैटर से बड़ा बड़ा पोर्शन लें। और इस बात का ज़रूर से ध्यान दें कि आप हाथों पर बहुत अच्छे से पानी ज़रूर से अप्लाई कर लें। तो इस तरह एक एक करके तेल में हमें सभी भल्ले को ड्रॉप कर देना है। और गैस की फ्लेम को आप हाई बिल्कुल भी ना करिएगा, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके भल्लों को जब तक फ्राई करिएगा जब तक कि भल्लों में बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं भल्ले हमारे अपने आप फ्लोट होना स्टार्ट हो चुके हैं तेल में। तो अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी भल्ले सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे और अंदर से ये बहुत ही जूसी होंगे। तो आपको अगर मार्केट जैसी भल्ले पापड़ी खानी है तो आप मेरे मेथड्स को ज़रूर से फॉलो करें। तो इस तरह एक एक करके मैंने सभी भल्ले को ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट के बाद ही इसकी साइड्स को हमें चेंज करना है, फौरन इसे हमें टच नहीं करना है। आप गैस की फ्लेम को लो करके भी इसे ना फ्राई करिएगा, नहीं तो ये सारे ऑयल पी जाएंगे और बहुत ही सॉगी बन के तैयार होंगे हमारे भल्ले। तो आप इसे गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो इस टाइम मैंने गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दिया है और एक एक करके इसकी साइड्स को हमें चेंज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं भल्ले हमारे कितने फूले फूले बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए, इसी तरह मैंने एक एक करके इसकी साइड्स को चेंज कर दिया। अब दूसरी साइड से भी इसे हमें गोल्डन पिंक होने तक फ्राई कर लेना है गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके। तो ये देखिए, भल्ले में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और भल्ले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे मैंने गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम सभी भल्लों को फ्राई कर लेंगे। एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक मिक्सिंग बोल में मैंने खूब तेज़ गर्म पानी ले लिया है और इसमें हम हींग और नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि भल्ले में नमक मैंने नहीं ऐड किया था। तो इसे हमें पानी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उबलता हुआ पानी ना लीजिएगा और गुनगुना पानी भी ना लीजिएगा, बस खूब तेज़ गर्म पानी लीजिएगा और इसमें भल्ले को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और इसे तकरीबन आप 15 से 20 मिनट तक इसी तरह पानी में छोड़ दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि भल्ले हमारे कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह मैंने इसे तकरीबन 20 मिनट तक इसी तरह पानी में छोड़ दिया था। तो अब इसे हमें इस तरह हाथों से प्रेस करके जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देना है। तो आप इस तरह भल्ले को बनाकर देखिए, भल्ले सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और अंदर से बहुत ही जूसी होंगे। तो अब दही में हमें शुगर पाउडर ऐड कर देना है, इसे हमें बहुत अच्छे से बीट कर लेना है जिससे कि दही लम्फ्री हो जाए, इसमें लम्स वगैरह ना रहें। तो इस तरह मैंने इसे बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ।
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना बहुत गाढ़ी दही है ना बहुत पतली दही है। भल्ले पापड़ी में थोड़ी गाढ़ी दही रहती है तभी अच्छा रहता है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि दही में आप शुगर जब सर्व करें तभी ऐड करें। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो इस तरह आप अपने पसंद से इसमें भल्ले रखिएगा और पापड़ी रखिएगा। तो मैं कुछ पापड़ी को यहाँ हाथों से तोड़ के रख रही हूँ और कुछ साबुत रख रही हूँ। तो इस तरह आप अपने पसंद से इसमें भल्ले और पापड़ी को ऐड कर लीजिएगा। जिस तरह आपको इसे सर्व करना हो उस तरह आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसे रख लिया है। तो अब इस पे हमें सभी पाउडर मसालों को स्प्रिंकल कर देना है। तो अभी मैं थोड़ा सा इस पे पाउडर मसाला स्प्रिंकल करूँगी, उसके बाद जब दही ऐड करूँगी उसके बाद ऐड करूँगी। तो अब इस पे हमें दही पोर कर देना है। तो ये देखिए इस तरह आप दही को बहुत अच्छे से पोर कर दीजिएगा। अब इस पे हमें हरी चटनी अप्लाई कर देना है। अगर आपको हरी चटनी ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दो बार पाउडर मसाले स्प्रिंकल करने से अंदर से भी भल्ले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैं इस पे थोड़ा सा पापड़ी तोड़ कर डाली और सभी पाउडर मसालों को ऊपर से फिर से स्प्रिंकल कर देना है। तो इस तरह आप सभी पाउडर मसालों को स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा अनारदाना ऐड करूँगी, इससे थोड़ा लुक भी अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो ये देखिए भल्ले पापड़ी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। आपने कभी मार्केट में भल्ले पापड़ी खाई होगी तो सेम उसी मेथड से ये भल्ले पापड़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। तो जब भी आपका भल्ले पापड़ी खाने का मन हो तो आप इसे घर पे बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो जाते जाते मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे भल्ले बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना परफेक्ट हमारा भल्ला बनकर तैयार हुआ है। और टेस्ट तो इसका बहुत ही औसम है। तो आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो 1 टाइम सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।